सज्जन सिंह मणक माजरा, सरकार गरीब आदमी के रोजगार खत्म करने पर तुल रही। कल मारे प्रधानमंत्री जोर जोर कर रुके मारे करे हैं, नारे मारे करे हैं। दो दिन होया हाईकोर्ट के ऑर्डर आए। सबसे पहला तो हाईकोर्ट के ऑर्डर देख लो भाई, हो यहाँ हाईकोर्ट के ऑर्डर कल के अखबार में मिल जाएंगे, था नाराज के अखबार में मिल जाएंगे देखना। तो इसमें दे रखे थी ना, रिक्शा चालकों ने रेलवे स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन। दिखा भाई उरा, शहर में चलने वाले रिक्शा जुगाड़ों पर नकेल कसे जाने से रिक्शा जुगाड़ चालकों में प्रशासन के प्रति रोष है। यह आंदोलन कर रहे रिक्शा चालक। तो भाई ये दो दिनों से हम देख रहे होंगे हाईकोर्ट के ऑर्डर आए। इससे पहले मैं सरकार से एक बात पूछना चाहूँ, हमारे प्रधानमंत्री से भी एक बात पूछना चाहूँ। 2016 में पहले तो मेरे तेनों बता दो, सुप्रीम कोर्ट बढ़ा क्या हाईकोर्ट बढ़ा? सारे ने पता था ना सुप्रीम कोर्ट बढ़ा। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे SYL पानी, नहर का पानी पंजाब से हरियाणा को उसके हिस्सा दिया जाए। 2016 से SYL का पानी जो हरियाणा से मिलना था, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर, उन ऑर्डर पर कोर का कोई कार्रवाई नहीं बिल्कुल भी। और जो यहाँ आया रिक्शा चालक, कल की 5,000 रिक्शा जब्त कर ली, 3,000 का चलान कर दिया, इस पर अगली कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गरीब की जोरू सबकी बापी, अमीर की जोरू सबकी दादी। अमीर ने सारे डरा है पंजाब पर पानी लिया दिखाओ नहीं मतो, ओडा भी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो रहे हैं, वहां भी 2016 से 6 सालों लिए, ओडे तो पानी नहीं ला सकते। गरीब का रोजगार सबसे पहला कोस लेंगे। ये इतने गद्दे में ना लाद रखे, मैं गरीब आदमी हूँ, ये इतने गद्दे में ना लाद रखे, ना मैं कार में ले सकता अपने घर उधर का, ना मैं मोटरसाइकिल पर ले सकता, ना मैं ना किसी और चीज में ले सकता। इसमें मेरा किराया भी कम लगेगा, 150 रुपये मैंने रिक्शा में पड़ जाएगी, टेम्पो करूंगा मेरा 1400-1500 रुपये, ला लो 2000 रुपये मेरे टेम्पो का किराया लगेगा। इसमें मेरे 150 रुपये में काम चल रहा है, गरीब आदमी के भी 2 पैसे बन रहे इसमें। इसमें सरकार पर तो कोई जोर नहीं पड़ रहा, नया इनलीगल है ना कुछ है, सिर्फ गांव गुआंड में ऐसे गद्दे ढोने पड़ते हैं, 150 रुपये गरीब के भी बन जाएंगे। और इवन की सुन लो महंगाई की बात, खट्टर जी पहले तो मेरे तक बात बताओ, आप कह रहे भाई यार रिक्शा बंद कर देंगे, गरीब आदमी तो रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे। खट्टर सरकार ने भाई 7 साल में दी 83,000 नौकरियां, मनोहर लाल पिछले 8 साल हो गए खट्टर ने मुख्यमंत्री बने, 83,000 नौकरियां दी पूरे भारत में, 7 लाख नौकरी दी, गूगल पर जाकर सर्च कर लो। मोदी जी ने जो कह रहे 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कांग्रेस उस टाइम दे रही थी 20 लाख रोजगार एक साल के लो। इब लोगों ने सोचा माना तो 1,80,00,000 का घाटा लग रहे हो, लोगों ने ठाकर मोदी से वोट दी, मोदी दे रहा सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी, वो भी कितने दिन में, 8 साल में। उसके बाद भाई दिए भाई वो गरीब का मोदी जी के बयान सुनाऊंगा था ना, खोल कर दे भाई, गरीब की सुनियो, गरीब के बारे में कितने चिंतित हमारे प्रधानमंत्री जी, महंगाई सुनो जी हमारे प्रधानमंत्री जी, सरकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी, 2013 की वीडियो, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, जो उनसे लाना दे रहे। अब प्रधानमंत्री महंगाई का मैं बोलने को तैयार नहीं है, जिसके पीछे 40 गड्डी पीछे चला, 40 आगा चला, जज्जा मो फिरा, मनमोहन सिंह की बात हो रही कांग्रेस के प्रधानमंत्री की, वो क्यों महंगाई पर मैं बोलेगा, गरीब आदमी बोलेगा महंगाई पर, मैं तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बोलने लग रहा मैं बोल दिया मैं। सुनो और हमारे प्रधानमंत्री को पढ़ा सुना है, अहंकार महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब, मर जाओ सारे गरीब मर जाओ, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू फूंक के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं, ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए, गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। म्यूजिक सुनो जी सुनो, सिरसों के तेल की बोतल दे भाई, मारे प्रधानमंत्री ना गरीब आदमी की बड़ी चिंता, उस टाइम नहीं प्रधानमंत्री थे नहीं कह रहे थे, गरीब आदमी ना जहाज में बैठाऊंगा, जहाज की सवारी करेगा वाई चप्पल पहनने वाला, गरीब आदमी का पजामा पट गया पजामा दिखा दे, गरीब आदमी की चप्पली 71 किलो बत्ती बंद रही, बत्ती भी टूट गई गरीब आदमी की, 71 किलो बांध का चप्पा दे रहा गरीब आदमी, और यहाँ कह रहे ना जहाज में फराऊंगा गरीब आदमी ना, या सिरसम के तेल की बोतल आप कह रहे गरीब आदमी क्या खाएगा, कांग्रेस के टाइम में 70 रुपये की दी, आज के टाइम में 200 रुपये की मिला सिरसम के तेल की बोतल, गरीब आदमी इसी में अपना राशन पानी बढ़ावा, आप कह रहे हम 5 किलो राशन गरीब फ्री दे रहे मुफ्त दे रहे, मान के चलो आप दे रहे हैं, आप दे रहे किसानों का गला काट कर दे रहे, या तो उनके 5 सिलेंडर भरवा कर दिखाओ महीने में, या 5 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाओ, या 5 लीटर पेट्रोल देकर दिखाओ, या 5 लीटर डीजल देकर दिखाओ, क्योंकि किसानों का जो गल काट का किसानों पर ठगी मार का अपने घर भर है नहीं सरकार ना, उसी में 20 रुपये किलो मारे अनाज की कीमत लाकर 100 रुपये का अनाज दे रहे, उसमें जो पकाओगे उस अनाज ने कर गरीब आदमी उस अनाज ने क्या में पकाओगे, सिरसम के तेल में 200 रुपये गया तो गरीब आदमी उस अनाज ने मोटरसाइकिल में बैठ कर लेने जाएगा पेट्रोल कर दे 100 रुपये लीटर,
गरीब आदमी और दिखा पे दूसरी बोतल काट। गरीब आदमी के भाई एक और बता, तू था नया जो सड़े रेट बढ़ाया था नहीं, एक बार उस चीज का रेट गिरते को नहीं पढ़ाई। मेरी छोरी जिस स्कूल में जावा, थोड़े दिन पहले 10 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ गया था, डीजल का रेट बढ़ गया था, बस ना किराया बता दिया 200 रुपये, बस ड्राइवर ना किराया बता दिया जी, मेरे छोरे के स्कूल की बात है, नाम नहीं लेता स्कूल का, 200 रुपये पेट्रोल का डीजल का रेट गिर भी गया 10 रुपये, पर वो 200 रुपये को नहीं गिरा, वो नू का नू लग रहा। ईवीएच गादरी की बोतल कांग्रेस के टाइम में 70 रुपये की मिले करे थी, आज ये 200 रुपये की मिला, लॉकडाउन में 200 रुपये कर दी थी, आज भी साड़ी ने सस्ती नहीं कर रहे। गरीब आदमी का खाने का सौदा, युवा पीने का सौदा, युवा हम पियो 4-4 हजार की बोतल, 3-3 हजार की बोतल, गरीब आदमी करते लिया 3 हजार की बोतल, गरीब आदमी देश नहीं पीका अपना गुजारा करेगा। पकड़ भाई, और सुनो भाई इनके बारे में, इनके जुमले टकोसले, हर एक चीज में लुटन लग रहा है, हर एक चीज में सिर्फ ये बैठ के एक ही दिमाग लावा, गरीब का किस तरह गढ़ काटा, किस तरह गरीब ना मारे जावा, उनके मोटरसाइकिल कोसने लग रहे, उसके लिए मैं पूरी यूनियन से भी, जब मारे किसान ना आंदोलन हो रहा था रुका मारे कर दे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आज खड़ा गया मजदूर, मजदूर की कोई आवाज नहीं उठाने वाला बेचारा, कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला, अपने बच्चे पालने ना फीस भरनी, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लाकर रोजगार कर रहे हैं, उसका रोजगार कोषण पर तुल रहे, रोजगार दे नहीं सकते पर रोजगार कोषण में पहले नंबर पर, क्योंकि अगर ना माल खाण होने पहले सरपंची का चुनाव भी आ जाओ, मैंने पीछे बताया था ते इस टाइम 20 महीने हो गए सरपंच का चुनाव हुए, 20 महीने जोड़ लियो गिन लियो गूगल पर सर्च कर लियो, 2,70,30,00,000 रुपये पंचायत मानदेय सरकार डकार चुकी है, अगर एक गांव में 30 पंच हो तो 1 पंच क्या हुआ 1,000 रुपये महीना, सरपंच क्या हुआ 3,000 रुपये महीना, 30 और 3 33, एक बड़े है गांव के 33,000 रुपये महीना, तो यहाँ डकार गए सारा खेत का ठेका डकार गए, उसके बाद जितने ग्रांट आवे थे वहां भी यही डकार गए, बोले वो करेगा उसके साइन, तो सरपंच ना गांव में सिर्फ वेरिफिकेशन कर सकता है साइन करके, आयु बंदे इस गांव का मैं उसको जानता हूं, ना कोई ग्रांट दे सकता है ना काम लगा सकता है, सरपंच काम करांगा मैं जिला परिषद काम करा, मल्ले मुल्ले का था ना पता ही है, जो उनसे भी ऊपर ग्रांट आवाने डकारने हैं, इन्हें भी तेरे पीछे बचने लग रहे हैं, क्यों चुनाव करवाएंगे, इनकी तो गोखड़ी सी बैरी, इनका स्वाद बैठ रहा है, इनका मजा आ रहा, इस करके चुनाव ना गेदा गे खींच कर ले जा, क्योंकि ना पीछे बच रहे हैं, खाने देना मतलब बुढ़े की पिल्सन यहाँ डकार गए, किसी की पिल्सन नहीं देगा, राजी चमेली की लालो मेरी नन्नी की दूली चंताओं की लाल पिल्सन यहाँ डकार गए, फौजियों के रिटायरमेंट के बाद जो भत्ते मिले कर रहे थे या पिल्सन मिले कर रहे थे वहां यहाँ डकार गए, उसके बाद अग्निवीर योजना ना लागू करिया, उससे पहला जो पिल्सन मिले कर पिल्सन बंद कर दी वहां यहाँ डकार गए, तेल जितना महंगा कर दिया जो इस टाइम अगर तेल की कीमत देखो कच्चे तेल की कीमत सबसे कम है, कच्चे तेल की कीमत तो यहाँ कच्चा तेल इस टाइम 70 रुपये दे सका, पर यह धंधे को नहीं, इस टाइम जो कच्चे तेल की कीमत है उसके हिसाब से जब कीमत बढ़ा तो बढ़ा था, क्योंकि तेल की कीमत जब गिरेगी जब गुजरात में हिमाचल में चुनाव होंगे, उससे पहले तेल की कीमत थोड़ी गिर दिया, तेल की कीमत इनके अनुसार ही गिरा, इनके चुनाव के अनुसार गिरा, ना कि प्राइवेट कंपनियां तय करती, यहाँ तय करा इन कच्चे तेल की कीमत इतनी कम है, क्यों नहीं गिरते कच्चे तेल की कीमत, क्योंकि बिना खाण ना मिल रहा ना बच रहा कोई पूछने वाला को नहीं है। उसके बाद भाईयो हम बार बार कहो जाओ भाई ठीक है चलो, मैं तुमने इतनी कमियां बताने लग रही, चाहते उसका तोड़ कर देखो भाई इस चीज का यू तोड़ा, इब गरीब आदमी इस रेडी ना छोड़ का, चाहते अंदर रोजगार दे दो सारे दे भाई, रोजगार मिले फोन दे भाई एक बार भाई, इसमें रोजगार दे दो भाई, यहाँ रोजगार हम गरीब पता देने लग रहे, खुद इनके पास कोई रोजगार नहीं है कुछ नहीं है, जनता ना लुटन लग रहे माल डकारण लग रहे, तो भाई और मैं थर तक कहना चाहूंगा तो भाई ये जो भी प्रोसीजर चल रहा है इसके बारे में तो टाइम टाइम पर मैं जागरूक करता रहूंगा, गरीब आदमी कोई बात सुनने वाला नहीं है, या वही सरकार है जो गरीब ने कहा तो हम जाजों बिठावेंगे, आज कड़ी नामो निशान नहीं जाजों बिठाने का, इनका गरीब का जो छोटा जहाज है वो भी क्वेश्चन पर तुल रहे इन पे थे यहाँ, तो भाई यो इनके सरकार के प्रपंचा से बचो और इनसे दूर रहो, सावधान रहो, धन्यवाद, जय हिंद जय जवान जय किसान।